सो हे गाइस स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में आज के वीडियो में कोई भी वर्कआउट से रिलेटेड चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी सिंपल वीडियो जिसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि कैसे मैं अपना जिम पढ़ाई और अपना ऑफिस मैनेज करता हूँ आई होप कि वीडियो आपको हेल्प करे टू मैनेज योर टाइम एंड आप भी अपने बिजी स्कैड्यूल में से थर्टी टू फोर्टी फाइव मिनट्स निकाल कर जिम जा सकें वर्कआउट कर सकें एंड अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान दे सकें क्योंकि यही सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगी एक अच्छी फिज़िक बिल्ड करने के लिए अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो आ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं मेरा नाम अमित बेस्ट है मैं दिल्ली में रहता हूं एंड मुझे ट्रेनिंग करते हुए ऑलमोस्ट फोर इयर्स हो गए हैं एंड अब बात करते हैं कि मैं कैसे अपना टाइम अपनी पढ़ाई और ऑफिस का काम मैनेज करता हूं शायद ही आपको हेल्प करे दिस इज़ हाउ आई डू इट अगर आपको अच्छा लगता है तो आप भी इस तरीके से कुछ ना कुछ करके मैनेज कर सकते हैं सब कुछ और uh, जब मैंने जॉब करना स्टार्ट किया था 2019 में एंड मेरा ऑफिस था गुड़गांव में एंड मुझे ट्रैवलिंग में आने और जाने में ऑलमोस्ट फोर टू फाइव आवर्स लगते थे वो बताता हूँ मैं कैसे बिकॉज़ मैं रहता हूँ साउथ दिल्ली में बिल्कुल कॉर्नर में एंड uh, होता यह है कि जिसका सबसे दूर घर है तो उसका सबसे पहले पिकअप होगा एंड उसके बाद बाकी लोगों का पिकअप करते हुए कैब जाएगी ऑफिस सो so, मेरी शिफ्ट्स भी रोटेशनल होती थी हर दो महीने में चेंज होती थी एंड मॉर्निंग वाली शिफ्ट में होता था कि कैब आती थी चार बजे के आसपास घर पे एंड मुझे साढ़े चार बजे तक कैब में बैठना होता था ताकि छः बजे से पहले हम ऑफिस पहुंच सकें छः से तीन मेरी शिफ्ट की टाइमिंग थी एंड शिफ्ट ख़त्म करने के बाद आ, मैं पाँच साढ़े पाँच या कभी छः भी बज जाते थे घर पहुंचते हुए डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक कितना है गुड़गांव से दिल्ली आने में उसके बाद मैं हाफ़ एन आवर का रेस्ट करता था एंड फिर आ, जिम जाता था वर्कआउट करके आता था एंड साढ़े नौ बजे लास्ट मैं जगता था उसके साढ़े लास्ट तक मैं जगा रहता था एंड फिर सो जाता था मुझे पता भी नहीं चलता था कब मेरे को नींद आ गई सो मॉर्निंग शिफ्ट में ऐसे मैनेज करता था जब नाइट शिफ्ट होती थी तो नाइट शिफ्ट में क्या करता था कि hmm. कि मुझे मॉर्निंग uh, में वर्कआउट के लिए जाना पड़ता था क्योंकि शाम को छः बजे मुझे कैब लेने आती थी एंड साढ़े छः तक मैं कैब में बैठता था नौ बजे तक ऑफिस पहुंचता था बाकी लोगों के साथ एंड नाइन टू फाइफ तक मेरी शिफ्ट होती थी शिफ्ट ख़त्म करता था फिर uh, घर आता था साढ़े छः सात बज जाते थे क्योंकि ड्रॉप भी आपका लास्ट होगा पहले जो आपसे पहले के लोग हैं उनको गाड़ी ड्रॉप करेगी तो ऑलमोस्ट सात बज जाते थे उसके बाद में आके अपना प्री वर्कआउट मील लेता था कुछ भी एंड फिर मैं हाफ़ एन आवर रेस्ट ले फिर जिम जाता था वर्कआउट करके आता था एंड आके अपना प्रोटीन शेक या जो भी मील है वो लेके फिर मैं सो जाता था ताकि मैं शाम को उठ के ऑफ़िस निकल सकूँ टाइम से सो so, इस तरह से मैं मैनेज करता था जब मैं गुड़गांव ऑफ जाता था अभी सिंस uh, मैंने वहाँ पे जॉब छोड़ी है तो नोएडा में इस टाइम मैं जॉब करता हूँ तो वहाँ पे भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है अभी फ़िलहाल तो तो उतना मुश्किल नहीं होता है बट अभी भी जब शिफ्ट रोटेशनल होती हैं तो मुझे वही साइकिल फ़ॉलो करना पड़ता है सपोज़ जैसे नाइट शिफ्ट है तो फिर मैं मॉर्निंग में ही जिम जाता हूँ एंड डे शिफ्ट है तो फिर शाम को जाता हूँ पाँच छः बजे सात बजे तक तो दिस इज़ हाउ आई मैनेज एंड साथ में पढ़ाई का भी है कि अब मेरी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं फिर से एंड uh, जो कि पहले ऑनलाइन चल रही थी बट अब uh, मैंने वापस से ऑफ़लाइन जाना स्टार्ट किया है वीकेंड्स में जाता हूँ फिर मैं पढ़ता भी हूँ सो दिस इज़ हाउ आई डू थिंग्स और मैं तीनों चीज़ें लेके साथ में चल रहा हूँ पढ़ाई काम एंड जिम एंड अभी तक तो सक्सेसफुली मैं कर पाया हूँ आई होप कि आगे भी इसी तरह मैनेज कर पाऊँ एंड आप लोग भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो अगर आप किसी चीज़ को लेके कर पैसनेट हैं एंड वो एक विल है कि आपको अच्छा दिखना है एंड चीज़ें करनी है सो so, कर सकते हैं इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना कॉमेंट करना शेयर करना एंड अपना स्ट्रगल बताना कमेंट सेक्शन में कि आप कैसे मैनेज करते हो पढ़ाई जिम या फिर अगर आप ऑफिस जाते हो तो कैसे मैनेज करते हो ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प हो सके चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब भी कर लेना आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन करते रहो यार जो कर रहे हो